इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों जनसभा यात्रा को लेकर अनंदा दौरे पर है। मंगलवार मार पावापुरी के वर्तमान आयुर्विज्ञानिक संस्था में स्वीकृत करने के बाद अनंदा गांव पहुंचे, जहां उनका ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सैनिक स्कूल होते हुए सिविल प्रखंड के गांधी हाई स्कूल में पूर्व निर्धारित जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में शिरकत करने की थोड़ी देर बाद सिविल के गांधी हाई स्कूल में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक सरफिरे ने छोटा पटाखा वाला बम फोड़ दिया। बम सीएम नीतीश कुमार के मह से 15 से 18 फीट की दूरी पर फूटा। प्रखंड में मची अपराध तफरी, एक आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस कस्टडी में उससे पूछताछ हो रही है। अभी तक इन पहले ही विख्यातपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम सुरक्षा में भारी चूक हो चुकी। पटाखा बम फोड़ने की सूचना ही है, किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। मंच के पीछे खेत में बम फोड़ी की प्राथमिक सूचना पर है। इस घटना के बाद जदयू नेताओं ने भारी आक्रोश जताया है। नेताओं का कहना, रिपोर्ट बिहार से। हत्या गया तो जब मुख्यमंत्री घूम रहे थे, सब लोगों से आवेदन ले रहे थे, तो उस समय एक बच्चा जो है, बच्चा क्या माने 10-12 साल का है, ज्यादा उम्र है, वह जो इसे को पड़ाका रखे हुए था, पड़ाका था, इसे जब मुख्यमंत्री इधर घुसे बस पड़ाका है वो छोड़ दिया और उसी में अफरा तफरी मच गया। मुख्यमंत्री भी अवाक रह गए, सारे लोग यहाँ का अवाक है। इस इलाव की प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया। लगता है कि यहाँ पर सुरक्षा में चूक हुई है, एकदम चूक हुई है, इसमें कोई दुमत नहीं है। और प्रशासन का जो है सो एकदम मैंने अच्छा से व्यवस्था नहीं किया, जिसके कारण ऐसा हुआ है।